हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राजश्री और मेरे चैनल क्रोशे जेमिनी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको ये फ्लावर डिज़ाइन थालपोश कैसे बनाते हैं ये दिखाऊंगी। हम इसे थालपोश के साथ साथ टेबल मैट और सेंटर पीस की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। इस थालपोश का डायामीटर 16 इंचेस है। थालपोश के लिए मैंने 4 प्लाई में मीडियम थिकनेस की वाइट और पिंक कलर की वुल दोनों 50-50 ग्राम्स ली हैं। हम अपनी पसंद के कोई भी 2 कलर्स ले सकते हैं। क्रोशे का 4 mm का हुक लिया है और कैंची ली है। थालपोश के लिए सबसे पहले हम डार्क पिंक धागे से स्लिप नॉट बनाएंगे। अब हम 6 चेन बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। अब इसके बाद हम ये जो पहली चेन है इसके साथ स्लिप स्टिच करते हुए इस 6वीं चेन को ज्वाइन कर लेंगे। अब हम 3 चेन बनाएंगे। इस 3 चेन को हम पहले डबल क्रोशे के तौर पर गिनते हैं। इस पहले राउंड में हमें टोटल 18 डबल क्रोशे स्टिचेस बनाने हैं। तो अब ये हमारा दूसरा डबल क्रोशे। मैंने 18 डबल क्रोशे स्टिच बना लिए हैं। अब यहाँ पर सबसे लास्ट में हम ये जो हमने पहली स्टिच बनाई है इसके ऊपर की स्टिच के साथ स्लिप स्टिच करते हुए इस आखिरी स्टिच को ज्वाइन कर लेंगे। सेकेंड राउंड के लिए सबसे पहले हम 3 चेन बनाएंगे। ये हमारा पहला डबल क्रोशे बन गया। अब यहाँ इस सेकेंड राउंड में हम हर स्टिच में 2-2 डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। तो यहाँ पर ये पहली स्टिच में हमने दूसरा डबल क्रोशे बना लिया। इसके बाद की स्टिच में भी हम 2 डबल क्रोशे पिंक धागे से बनाएंगे। इस राउंड में हम वाइट धागे को भी ज्वाइन करेंगे। तो अब यहाँ पर ये जो 4th डबल क्रोशे है इसे हम पूरा नहीं बनाएंगे, आधा ही बनाएंगे। ये जो 2 लूप्स हैं इनमें हम वाइट धागे को ज्वाइन कर लेंगे। अब इसके बाद की स्टिच में हम 2 डबल क्रोशे वाइट धागे से बनाएंगे। यहाँ पर हम इन धागों को कस लेंगे और इन्हें क्रोशे करते हुए साथ में ले लेंगे। अब इस 3rd स्टिच में हम वाइट धागे से 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। इस पूरे पैटर्न में हमें इन दोनों धागों को अब साथ में रखना है। अब हम यहाँ पर ये जो दूसरा डबल क्रोशे बनाएंगे वाइट धागे से इसे हम पूरा नहीं बनाएंगे, आधा ही बनाएंगे। अब हम पिंक धागे से इसे पूरा करेंगे, ये इस तरह से। तो यहाँ पर अब ये पिंक धागा ज्वाइन हो गया। अब इसके बाद की 2 स्टिचेस में हम टोटल 4 डबल क्रोशे पिंक धागे से बनाएंगे। इस पैटर्न में हम वाइट धागा यूज़ करते समय पिंक धागे को पीछे लेंगे और पिंक धागा यूज़ करते समय हम वाइट धागे को पीछे लेंगे। यहाँ पर हम हर बार धागों को टाइट करते चलेंगे। अब यहाँ पर हम इस 4th डबल क्रोशे को पूरा नहीं बनाएंगे, आधा ही बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अब हम वाइट कलर को स्विच करेंगे। तो अब यहाँ हम इस पिंक धागे को कस लेंगे और अब इसके बाद की स्टिच में हम वाइट धागे से 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। लेकिन इस दूसरे डबल क्रोशे को भी हम पूरा नहीं बनाएंगे, आधा ही बनाएंगे। हम पिंक धागे को कसेंगे और इन दोनों लूप्स में से निकालेंगे। अब इस सेकेंड राउंड में हम कलर स्विच करते हुए 4 डबल क्रोशे पिंक धागे से और 2 डबल क्रोशे वाइट धागे से बनाएंगे और इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। मैंने सेकेंड राउंड को कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पर हमने दोनों कलर्स से डबल क्रोशे स्टिच बनाए हैं। अब यहाँ सबसे लास्ट में हम वाइट धागे से दूसरा डबल क्रोशे बनाएंगे, लेकिन हम इसे पूरा नहीं बनाएंगे, आधा ही बनाएंगे। हम वाइट धागे को पीछे लेंगे और पिंक धागे से इस डबल क्रोशे को कंप्लीट करेंगे। अब हम इस पहली स्टिच को इस आखिरी स्टिच के साथ स्लिप स्टिच करते हुए जोड़ लेंगे। इस सेकेंड राउंड में हमारे पास टोटल 36 डबल क्रोशे स्टिचेस बने हैं। 3rd राउंड में हम सबसे पहले 3 चेन बनाएंगे। ये हमारा पहला डबल क्रोशे बन गया। अब यहाँ पर हम ये जो पिंक धागे से हमने 4 स्टिचेस बनाई हैं इनमें हम एक एक डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। तो ये दूसरा डबल क्रोशे, ये तीसरा डबल क्रोशे और ये 4th डबल क्रोशे। अब यहाँ पर हम इस 4th डबल क्रोशे को पूरा नहीं बनाएंगे, आधा ही बनाएंगे और वाइट धागे को इसमें जोड़ लेंगे, ये इस तरह से। यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि पीछे की तरफ से एकदम क्लीन है क्योंकि हम दोनों धागों को साथ में लेते हुए चल रहे हैं। अब हम वाइट धागे से स्टिचेस बढ़ाएंगे। तो ये जो अगली 2 स्टिचेस हैं इनमें हम
टोटल 4 डबल क्रोशे स्टिचेस बनाएंगे। इस पहली स्टिच में 2 डबल क्रोशे और दूसरी स्टिच में भी 2 डबल क्रोशे। यहाँ पर हम स्टिचेस बढ़ा रहे हैं। अब हम इस वाइट धागे को पीछे की तरफ ले लेंगे और इन दोनों लूप्स में से निकालते हुए इस पिंक धागे को ज्वाइन कर लेंगे। अब इसके बाद हम फिर से अगली 4 स्टिचेस में एक एक डबल क्रोशे पिंक धागे से बनाएंगे और इसी पैटर्न को इस पूरे 3rd राउंड में रिपीट करेंगे। मैंने 3rd राउंड कंप्लीट कर लिया है और यहाँ सबसे लास्ट में हमने ये जो 2 डबल क्रोशे बनाए हैं इसके ऊपर हमने अब 4 डबल क्रोशे बनाए हैं। अब हम पिंक धागे से इस चौथे डबल क्रोशे को कंप्लीट करेंगे और ये जो फर्स्ट स्टिच है इसके साथ स्लिप स्टिच करते हुए इस आखिरी स्टिच को ज्वाइन कर लेंगे। ये इस तरह से इस 3rd राउंड में हमने टोटल 48 डबल क्रोशे स्टिचेस बनाए हैं। 4th राउंड में हम सबसे पहले 3 चेन बनाएंगे। ये हमारा पहला डबल क्रोशे बन गया। अब यहाँ पर हम ये जो पहली 4 स्टिचेस हैं इनमें हर स्टिच में एक एक डबल क्रोशे पिंक धागे से बनाएंगे। हम इस वाइट धागे को भी क्रोशे करते हुए साथ में ले लेंगे। तो यहाँ पर ये दूसरा डबल क्रोशे, ये तीसरा डबल क्रोशे और ये चौथा डबल क्रोशे। अब यहाँ पर हम वाइट धागे को स्विच करेंगे तो हम इन दोनों लूप्स में से निकालते हुए वाइट धागे को ज्वाइन कर लेंगे। अब इसके पहले के राउंड्स में हमने 2nd राउंड में 2 डबल क्रोशे बनाए हैं, 3rd राउंड में हमने टोटल 4 डबल क्रोशे बनाए हैं। तो अब यहाँ पर हम इस 4th राउंड में भी स्टिचेस को बढ़ाएंगे। यहाँ पर हम टोटल 6 डबल क्रोशे स्टिचेस बनाएंगे। तो अब हम ये जो पहली स्टिच है इसमें 2 डबल क्रोशे बनाएंगे और आखिरी स्टिच में 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। बीच की 2 स्टिचेस में हम एक एक डबल क्रोशे ही बनाएंगे, जिससे कि हमारे पास टोटल 6 डबल क्रोशे वाइट धागे से बन जाएंगे। तो अब ये चौथा डबल क्रोशे, 1, 2, 3 और ये 4। अब हम ये जो 4th स्टिच है इसमें 2 डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। इस थालपोश पैटर्न में हम प्रोपोर्शनेटली स्टिचेस को बढ़ाएंगे और हर बार धागों को टाइट करते हुए डबल क्रोशे स्टिचेस बनाएंगे। अब हम इसी पैटर्न को रिपीट करेंगे और इस 4th राउंड को कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पर सबसे लास्ट में हम पिंक धागे को ज्वाइन करेंगे और ये जो पहली और आखिरी स्टिच है इसे स्लिप स्टिच करते हुए जोड़ लेंगे। इस 4th राउंड में मैंने टोटल 60 डबल क्रोशे स्टिचेस बनाए हैं। अब यहाँ इस पैटर्न में हम ये देख सकते हैं कि हमने हर राउंड में पिंक धागे से 4-4 डबल क्रोशे बनाए हैं और हमने वाइट धागे से जो डबल क्रोशे बनाए हैं इन्हें हमने हर राउंड में बढ़ाया है। सबसे पहले 2 डबल क्रोशे, फिर उसके बाद 4 डबल क्रोशे, फिर उसके बाद 6 डबल क्रोशे। अब हम इसके बाद 2 और राउंड्स बनाएंगे और इन 2 राउंड्स में हम एक में 8 डबल क्रोशे बनाएंगे और उसके बाद के राउंड में हम 10 डबल क्रोशे बनाएंगे। तो अब मैं इन 2 राउंड्स को पूरा कर लेती हूँ। मैंने 5th और 6th इन दोनों राउंड्स को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम सबसे लास्ट में पिंक धागे को स्विच करेंगे और ये जो पहली और आखिरी स्टिच है इन्हें स्लिप स्टिच करते हुए जोड़ लेंगे। यहाँ पर हर राउंड में वाइट धागे से डबल क्रोशे स्टिचेस बढ़ रहे हैं। सबसे पहले 2 डबल क्रोशे, फिर 4, फिर 6, फिर 8 और ये 6th राउंड में टोटल 10 डबल क्रोशे हमने बनाए हैं। 7th राउंड में हम इस थालपोश डिज़ाइन को थोड़ा चेंज करेंगे। यहाँ पर हमारे पास ये 4 डबल क्रोशे पिंक धागे से हैं तो हम सबसे पहले 3 चेन बनाएंगे। ये हमारा पहला डबल क्रोशे बन गया। अब इसके बाद हम इस दूसरी स्टिच में भी एक डबल क्रोशे स्टिच पिंक धागे से बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर अब हम वाइट धागे को स्विच करेंगे। अब हम इसी स्टिच में वाइट धागे से एक और डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे, ये इस तरह से। अब इसके बाद हम इसके बाद की जो 3rd स्टिच है इसमें वाइट धागे से एक डबल क्रोशे बनाएंगे, लेकिन हम इसे आधा ही बनाएंगे। हम पिंक धागे को स्विच करेंगे, दोनों धागों को कस लेंगे। अब हम पिंक धागे से इसी स्टिच में एक और डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे, ये इस तरह से। अब इसके बाद हम फिर से ये जो 4th स्टिच है इसमें एक डबल क्रोशे पिंक धागे से बनाएंगे, लेकिन हम इसे भी आधा ही बनाएंगे। हम वाइट धागे को स्विच करते हुए इस डबल क्रोशे को पूरा करेंगे। तो यहाँ पर हमने इन 4 पिंक धागे से डबल क्रोशे के बदले अब हमने 2 पिंक धागे से, 2 वाइट धागे से और 2 पिंक धागे से डबल क्रोशे स्टिचेस बना लिए हैं। इस राउंड में हमने 2 डबल क्रोशे स्टिचेस को बढ़ाया है। अब इसके बाद हम ये जो
टोटल हमारे पास 10 डबल क्रोशे हैं, इन्हें हम वैसा ही रखेंगे। यहाँ पर हम हर स्टिच में एक एक डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। यहाँ पर 10 डबल क्रोशे वाइट धागे से बनाने के बाद अब हम पिंक धागे को स्विच कर लेंगे और इस पैटर्न को इस पूरे राउंड में रिपीट करेंगे। मैंने 7th राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ सबसे लास्ट में हम पिंक धागे को स्विच करेंगे और ये जो पहली और आखिरी स्टिच है इन्हें स्लिप स्टिच करते हुए जोड़ लेंगे। अब इसके बाद हम 8th राउंड में सबसे पहले पिंक धागे से 3 चेन बनाएंगे। ये हमारा पहला डबल क्रोशे बन गया। अब यहाँ पर हम ये 2 वाइट डबल क्रोशे के बीच में स्टिचेस को बढ़ाएंगे और यहाँ पर स्टिचेस को कम करेंगे। अब हम दूसरी स्टिच में एक और डबल क्रोशे बनाएंगे, लेकिन अब यहाँ पर हम वाइट धागे को स्विच कर लेंगे। अब इसके बाद हम पहला डबल क्रोशे वाइट धागे से बनाएंगे। अब यहाँ पर हम स्टिचेस बढ़ाएंगे तो ये जो 2 वाइट डबल क्रोशे हैं इनके बीच की स्पेस में हम 2 डबल क्रोशे, 1 चेन और 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। यहाँ पर हम टोटल 4 डबल क्रोशे बढ़ा रहे हैं। अब हम फिर से 2 डबल क्रोशे बनाएंगे तो यहाँ पर हमने टोटल 4 डबल क्रोशे बढ़ा लिए हैं। अब हम ये जो वाइट डबल क्रोशे है इसके पहले के राउंड का, इस स्टिच में एक और डबल क्रोशे बनाएंगे। ये डबल क्रोशे हम स्टिच में बनाएंगे और यहाँ पर पिंक धागे को स्विच कर लेंगे। यहाँ पर टोटल हमने 6 डबल क्रोशे बना लिए हैं। अब हम 2 डबल क्रोशे पिंक धागे से बनाएंगे और दूसरे डबल क्रोशे में वाइट धागे को स्विच कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने स्टिचेस बढ़ा लिए हैं। अब इसके बाद हम फर्स्ट और लास्ट स्टिच को छोड़ देंगे और बीच की 8 स्टिचेस में एक एक डबल क्रोशे बनाएंगे। यहाँ पर अब हम स्टिचेस को घटा रहे हैं। इसके पहले हमने यहाँ स्टिचेस बढ़ाई हैं, अब यहाँ पर हम स्टिचेस घटाएंगे। तो यहाँ टोटल हम 8 डबल क्रोशे स्टिचेस बनाएंगे। अब यहाँ पर हम इस लास्ट स्टिच को छोड़ देंगे और इसके पहले की स्टिच में हम वाइट धागे से डबल क्रोशे आधा ही बनाएंगे और पिंक धागे को ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पर इसके पहले के राउंड में हमने 10 डबल क्रोशे बनाए हैं, अब यहाँ पर हमने 8 डबल क्रोशे बनाए हैं। यहाँ हम स्टिचेस बढ़ा रहे हैं और इस तरफ स्टिचेस कम कर रहे हैं। तो अब हम इसी पैटर्न को इस पूरे राउंड में रिपीट करेंगे। मैंने 8th राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर सबसे लास्ट में हम पिंक धागे को स्विच कर लेंगे और पहली और आखिरी स्टिच को स्लिप स्टिच करते हुए जोड़ लेंगे। यहाँ पर इस राउंड में हमने 4 स्टिचेस बढ़ाई हैं और इस तरफ हमने पहली और आखिरी स्टिच को कम किया है। हमें इसी पैटर्न को अब आने वाले राउंड्स में भी कंटिन्यू करना है। 9th राउंड में हम सबसे पहले पिंक धागे से 3 चेन बनाएंगे। ये हमारा पहला डबल क्रोशे बन गया। अब यहाँ पर हम इसकी अगली स्टिच में भी एक डबल क्रोशे पिंक धागे से बनाएंगे और वाइट धागे को स्विच कर लेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास टोटल 6 डबल क्रोशे स्टिचेस हैं। तो हम ये जो अगली 3 स्टिचेस हैं इनमें वाइट धागे से एक एक डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। इस राउंड में भी हम 4 स्टिचेस बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर ये पहली 3 स्टिचेस में हम एक एक डबल क्रोशे बनाएंगे। अब इसके बाद हमारे पास ये एक चेन की स्पेस है तो हम हमेशा एक चेन की स्पेस में ही स्टिचेस को बढ़ाएंगे। यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशे, 1 चेन और 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। तो यहाँ पर अब हमने 4 डबल क्रोशे बढ़ा लिए हैं। अब हम ये जो अगली 3 स्टिचेस हैं इनमें हम वाइट धागे से एक एक डबल क्रोशे बनाएंगे। तो इस तरह से हमारे पास टोटल 10 डबल क्रोशे स्टिचेस बन जाएंगे। अब हम इस आखिरी डबल क्रोशे के बाद पिंक धागे को स्विच कर लेंगे और जैसा हम हमेशा हर राउंड में करते हैं वैसे हम पिंक धागे से अब 2 डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। फिर से धागे को टाइट कर लेंगे और वाइट धागा स्विच कर लेंगे। अब यहाँ पर हमें स्टिचेस घटानी है तो हम पहली और आखिरी स्टिच को हम इसे स्किप करेंगे और बीच की 6 स्टिचेस में एक एक डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। इसके पहले के राउंड में हमने टोटल 8 डबल क्रोशे बनाए हैं तो यहाँ पर अब हम 6 डबल क्रोशे बनाएंगे। हमें स्टिचेस प्रोपोर्शन में घटानी है।
अब यहाँ पर हम धागे को टाइट करेंगे और पिंक धागा ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पर हमने ये लास्ट स्टिच को छोड़ दिया है। इसके बाद हम दो डबल क्रोशे पिंक धागे से बनाएंगे। यहाँ पर अब हम फिर से धागे को कसेंगे और वाइट धागे को ज्वाइन कर लेंगे। हमें इसी पैटर्न को इस पूरे राउंड में रिपीट करना है। यहाँ पर हमने चार स्टिचेस बढ़ाई हैं और आगे दो स्टिचेस हमने कम की हैं। मैंने 9th राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ सबसे लास्ट में हम पिंक धागे को स्विच करेंगे और पहली और आखिरी स्टिच को स्लिप स्टिच करते हुए जोड़ लेंगे। यहाँ पर इस राउंड में सबसे पहले हमने स्टिचेस बढ़ाई हैं। ये हमारे पास टोटल 10 डबल क्रोशे स्टिचेस हैं। हमने यहाँ पर 4 डबल क्रोशे बढ़ाए हैं और इसके बाद हमने पहले हमारे पास 8 डबल क्रोशे थे, तो अब हमने यहाँ पर एक एक डबल क्रोशे दोनों तरफ से घटाया है। यहाँ पर हमारे पास टोटल 6 डबल क्रोशे हैं। अब इसके बाद के दो राउंड्स भी हम इसी तरह से बनाएंगे। अब यहाँ पर हम 10th और 11th राउंड को भी इसी पैटर्न में बनाएंगे। सबसे पहले हम 10th राउंड में 4 डबल क्रोशे स्टिचेस बढ़ाएंगे। अभी हमारे पास यहाँ पर 10 डबल क्रोशे हैं तो अब 14 बन जाएंगे, और इसके बाद हमारे पास यहाँ पर 6 डबल क्रोशे हैं तो हमारे पास 4 डबल क्रोशे बचेंगे। यहाँ पर हम स्टिचेस घटाएंगे। 11th राउंड में हमारे पास 4 डबल क्रोशे बढ़कर 18 डबल क्रोशे बनेंगे और इसके आगे 4 डबल क्रोशे घटकर 2 डबल क्रोशे बचेंगे। मैंने 10th और 11th इन दोनों राउंड्स को कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पर हम फ्लावर के डिज़ाइन को देख सकते हैं। सबसे लास्ट में यहाँ पर हमारे पास 2 डबल क्रोशे वाइट धागे से बच गए हैं और इसके आगे जहाँ पर हमने डबल क्रोशे बढ़ाए हैं यहाँ पर टोटल हमारे पास 18 डबल क्रोशे स्टिचेस हैं। अब यहाँ पर 12th राउंड में हम सबसे पहले पिंक धागे से 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, जैसा हम हर राउंड में बना रहे हैं। अब हम वाइट धागे को स्विच करेंगे, धागे को कस लेंगे। अब इसके बाद हम एक चेन की स्पेस तक हर स्टिच में एक एक डबल क्रोशे वाइट धागे से बनाएंगे। यहाँ पर हम टोटल 9 डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। अब इसके बाद ये जो एक चेन की स्पेस है इसमें हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। इसके पहले के राउंड्स में हमने एक चेन की स्पेस में 2 डबल क्रोशे, एक चेन और 2 डबल क्रोशे बनाया है, लेकिन यहाँ पर इस राउंड में हम सिर्फ 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। तो इस तरह से 2 डबल क्रोशे बन गए। अब हम इसके बाद की 9 स्टिचेस में हर स्टिच में एक एक डबल क्रोशे बनाएंगे तो हमारे टोटल 9 डबल क्रोशे इस तरफ भी बन जाएंगे। इस तरह से यहाँ पर हमारे पास टोटल अब 20 डबल क्रोशे स्टिचेस बनेंगे। अब यहाँ सबसे लास्ट की स्टिच में हम धागे को कस लेंगे और पिंक धागे को स्विच कर लेंगे, ये इस तरह से। अब यहाँ पर सबसे पहले हम इस पहली स्टिच में पिंक धागे से एक डबल क्रोशे बनाएंगे, लेकिन हम दूसरी स्टिच में 2 डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। यहाँ पर हम एक स्टिच बढ़ा रहे हैं। अब इसके बाद हम ये जो अगली 2 स्टिचेस हैं इन्हें छोड़ देंगे और इसके बाद की स्टिच में हम पिंक धागे से 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। तो ये एक और ये इसी स्टिच में 2 डबल क्रोशे। यहाँ पर हम पत्ती के शेप को पूरा करने के लिए 6 डबल क्रोशे बनाएंगे। इस राउंड में सबसे पहले हमने टोटल 9 डबल क्रोशे बनाए और एक चेन की स्पेस में हमने 2 डबल क्रोशे बनाए और उसके बाद फिर से हमने 9 डबल क्रोशे बनाए। तो इस तरह से यहाँ पर हमारे टोटल 20 डबल क्रोशे स्टिचेस बने हैं। इसके बाद हमने पत्ती को पूरा शेप देने के लिए पिंक धागे से 3 डबल क्रोशे बनाए, बीच के 2 स्टिचेस को स्किप किया और उसके बाद फिर से 3 डबल क्रोशे बनाए। अब हम इस पैटर्न को इस पूरे राउंड में कंप्लीट करेंगे। मैंने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि हमारी सभी 6 पत्तियों का जो शेप है ये प्रॉपर आ गया है। अब यहाँ पर सबसे लास्ट में हमारे पास ये 3 डबल क्रोशे हमने पिंक धागे से बनाए हैं। अब हम ये जो सबसे पहले हमारे पास ये जो 2 डबल क्रोशे हैं तो इस स्टिच में हम एक और डबल क्रोशे बनाएंगे, ये इस तरह से, और ये जो पहली स्टिच है इसके साथ स्लिप स्टिच करते हुए इस आखिरी स्टिच को ज्वाइन कर लेंगे, ये इस तरह से। तो अब हमारे पास दोनों तरफ 3-3 डबल क्रोशे बन गए हैं। इस थालपोश में हम ये देख सकते हैं कि इसमें थोड़ा सा झोल जैसा लग रहा है, तो इसके लिए हम इसे कंप्लीट करने के बाद किसी भी गद्दे के नीचे रख देंगे, जिससे कि ये जो झोल है ये पूरा निकल जाएगा और ये थालपोश फ्लैट हो जाएगा। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि हम इस थालपोश को 2 धागों से बनाते हैं और हर बार हम दोनों धागों को कसते हैं, इस वजह से भी ये झोल आ जाता है।
अब हम इस थालपोश के लास्ट राउंड को बनाएंगे। लास्ट राउंड में हम पिंक धागे से बॉर्डर बनाएंगे। तो अब यहाँ पर हम इस वाइट धागे को काट लेंगे और इसे पीछे की तरफ ले लेंगे। बॉर्डर के लिए सबसे पहले हमने ये जो वाइट धागे से पहला डबल क्रोशे बनाया है, इसी स्टिच में हम एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। अब हम एक चेन बनाएंगे और अगली दो स्टिचेस में हम दो दो हाफ डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। तो ये पहली स्टिच में एक हाफ डबल क्रोशे, अब ये दूसरी स्टिच में भी एक हाफ डबल क्रोशे, अब इसके बाद की भी स्टिच में हम दो हाफ डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे इस तरह से। अब हम एक चेन बनाएंगे और इसके बाद की स्टिच में एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तो यहाँ पर ये इस तरह से बॉर्डर का ये एक शेप बन गया है। अब हम इसके बाद की स्टिच में एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे, फिर एक चेन बनाएंगे और अगली दो स्टिचेस में हम दो दो हाफ डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। हम इसी पैटर्न को रिपीट करेंगे। तो ये फिर से हम ये दो हाफ डबल क्रोशे हमने बना लिए हैं। अब हम एक चेन बनाएंगे और इसके बाद की स्टिच में एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। फिर से एक सिंगल क्रोशे, एक चेन, दो दो हाफ डबल क्रोशे अगली दो स्टिचेस में, ये इस तरह से। अब हम एक चेन बनाएंगे और अगली स्टिच में सिंगल क्रोशे बनाएंगे, ये इस तरह से। फिर से एक सिंगल क्रोशे। तो यहाँ पर ये तीन शेप्स हमारे बन गए हैं। अब हम एक चेन बनाएंगे और अगली दो स्टिचेस में दो दो हाफ डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। बॉर्डर का डिज़ाइन हम अपने हिसाब से कोई भी बना सकते हैं। अब हम अगली स्टिच में सिंगल क्रोशे बनाएंगे। अब इसके बाद की स्टिच में भी एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। अब हम एक चेन बनाएंगे और फिर से अगली दो स्टिचेस में दो दो हाफ डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। अब एक चेन बनाएंगे और ये जो लास्ट स्टिच है इसमें हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे, ये इस तरह से। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल ये एक, दो, तीन, चार और ये पांच शेप्स बन गए हैं। अब इसके बाद हमारे पास पिंक धागे से ये छह स्टिचेस हैं। तो हम इस पहली स्टिच में एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे, दूसरी में भी एक सिंगल क्रोशे, अब हम एक चेन बनाएंगे। अब यहाँ पर ये बीच की दो स्टिचेस में हम दो दो डबल क्रोशे स्टिचेस बनाएंगे। यहाँ पर हमने हाफ डबल क्रोशे यूज़ किया है, लेकिन इस तरफ हम डबल क्रोशे यूज़ करेंगे जिससे स्टिचेस की जो हाइट है ये मैच हो सके। तो यहाँ पर अब हम थर्ड स्टिच में दो डबल क्रोशे स्टिचेस बनाएंगे और फोर्थ स्टिच में भी दो डबल क्रोशे बनाएंगे। डबल क्रोशे की हाइट हाफ डबल क्रोशे से थोड़ी ज़्यादा रहती है। अब हम एक चेन बनाएंगे और अगली दो स्टिचेस में एक एक सिंगल क्रोशे स्टिच बनाएंगे, जिससे कि हमारा ये जो शेप है ये बाकी के सभी पांच शेप्स के बराबर आ सके। अब हम इसी पैटर्न को इस पूरे राउंड में रिपीट करेंगे। मैंने बॉर्डर को कंप्लीट कर लिया है और ये इस थालपोश की बैक साइड है। और यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि हमें कहीं पर भी कोई भी धागा नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमने दोनों धागों को साथ में लेते हुए इस पूरे थालपोश को बनाया है। हमारा फ्लावर शेप थालपोश तैयार है, ये बहुत सुंदर दिख रहा है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। साथ ही में नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को क्लिक कीजिए।